अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द योर टीचर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है डिग्री स्किल्स में हम ऑनलाइन कोर्सेज के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और हम रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते, चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें और हाँ, बेल आइकन को टच करना ना भूलेगा ताकि हमारे अपकमिंग वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते, चलते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको इस वेबसाइट का कुछ इंट्रोडक्शन बता दूं कि इस वेबसाइट में आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे, 10 से 12 कोर्सेज मिलेंगे जो आप कर सकते हैं। हर कोर्स जो है वो 3 मंथ का होगा, 12 वीक्स का, और हर 2 वीक्स के बाद आपको एक एक्सरसाइज मिलेगी। तीसरे वीक में आपको एक क्विज मिलेगा जो आपको करके फिल करना पड़ेगा और अपडेट करना पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई के लिए हमको जाना पड़ेगा यहाँ पे लाइन पे, और यहाँ पे हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो मैं आपको एक बात और क्लियर करके बता दूँ कि यहाँ पे 9th बैचेस जो हैं उनकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुकी है, और 9th बैच की अभी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हुई है जनवरी के 1st वीक में। अभी जो है वो बलूचिस्तान की स्पेशल कोटा चल रही है, तो हम अगर बलूचिस्तान से हैं तो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। फिर भी मैं आपको फॉर्म फिल करके बताता हूँ और दिखाता हूँ कि कैसे हम यहाँ पे ज्वाइन करके अपना अकाउंट बनाते हैं और यहाँ पे हम कोर्सेज के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम यहाँ पे ज्वाइन की तरफ। तो हम यहाँ पे ज्वाइन नाउ फॉर फ्री पे जाएंगे, टच करेंगे, और यहाँ पे दोस्तों देखते हैं हम कि यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम फर्स्ट नेम पे जाएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे फरोख रज़ा, और यहाँ पे हम लिखेंगे कुरेशी, और यहाँ पे ईमेल पे जो है हम यहाँ पे कोई ईमेल दे देते हैं अपनी जो हमारे नाम पर है। यहाँ पे हमारी जो वेबसाइट की, हमारी जो चैनल की ईमेल है वो हम यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम पासवर्ड वगैरह लिख लेते हैं अपना। यहाँ पे पासवर्ड लिख लेते हैं और यहाँ पे हम सबमिट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, सबमिट करने के बाद ये हमें कंग्रेचुलेशन करके बताएगा, और यहाँ पे हमें बोल रहा है, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, वी हैव सेंट एन अकाउंट एक्टिवेशन ईमेल टू योर yteacher@gmail.com पे, प्लीज़ चेक योर इनबॉक्स फॉर अकाउंट एक्टिवेशन लिंक फ्राम digiskills.pk। ठीक है दोस्तों, तो हम जाएंगे अपनी जीमेल पे और यहाँ पे हम अपनी जो है ओपन कर देंगे। तो देखें दोस्तों, यहाँ पे मेरी ईमेल ओपन की हुई है, और यहाँ पे देखें ऊपर digiskills की ईमेल है, वो हम यहाँ पे ओपन करेंगे। ओपन करके हम यहाँ पे जो लिंक दी हुई है यहाँ पे हम इस पर टच करके अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे क्रोम को ओपन करेंगे, गूगल क्रोम को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव एक्टिवेटेड योर अकाउंट सक्सेसफुली। तो दोस्तों, अभी क्या करेंगे, हम साइन इन पे जाएंगे। साइन इन पे जाके हम यहाँ पे, ये है स्किली, ये है एक असिस्टेंट है, तो हम AI असिस्टेंट है, तो हम इसको बंद कर देते हैं, और यहाँ पे हम अपनी ईमेल जो थी हमारी वो लिख लेते हैं। मैं रजिस्टर्ड हूँ ऑलरेडी, लेकिन ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ ताकि आपको मालूम हो सके कि कैसे रजिस्ट्रेशन होती है। और यहाँ पे हम पासवर्ड अपना लिखेंगे, और यहाँ पे हम साइन इन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, साइन इन करने के बाद आपको यहाँ पे ये एक फॉर्म मिलेगा,
जिस पे आप अपनी मुकम्मल इंफॉर्मेशन देंगे। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी कम हुई तो आपको वो फॉर्म जो है रिजेक्ट कर देगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, हम रज़ा यहाँ से मिटा देंगे और यहाँ लिखेंगे मिडिल में रज़ा। ठीक है दोस्तों, अभी हम यहाँ पे जेंडर पे मेल पे टच करेंगे और डेट ऑफ बर्थ जो है हमारी, हम उस पर यहाँ पे लिखेंगे डेट ऑफ बर्थ। दोस्तों और यहाँ पे हम अपना NIC नंबर लिख देंगे अगर बना हुआ है तो, अगर नहीं बना हुआ तो अपने वे फॉर्म अगर आपका बना हुआ है तो उस पर आपका NIC नंबर होगा, वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने NIC नंबर एंटर कर दिया है। और पर्सनल अगर आपका नहीं बना हुआ है तो आप अपने पेरेंट्स और या गार्डियन का भी NIC नंबर लिख सकते हैं। अगर गार्डियन का है तो आप यहाँ पे टच करें गार्डियन पे, अगर अपना है तो आप पर्सनल पे टच करें। अच्छा, कंट्री हमें पाकिस्तान लिखना है या कोई अगर दूसरे कंट्री से हैं आप तो वो कंट्री आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और नेशनलिटी भी हमें वही पाकिस्तान में लिखनी है तो यहाँ पे हम जाएंगे नीचे और पाकिस्तानी को सर्च करेंगे। तो ये रहा दोस्तों पाकिस्तानी, हमने इस पर टच कर दिया। और यहाँ पर हम सिटी तो सर्च करेंगे कि हम कौन से सिटी से हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम यहाँ पे पाकिस्तान में जितने भी सिटीज़ हैं ये यहाँ पे लिखे हुए हैं तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जहाँ से हमें, तो यहाँ पे हम हैदराबाद लिख लेते हैं और यहाँ पे हमारी मेलिंग एड्रेस हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कुछ भी, हैदराबाद सिटी हैदराबाद, आपकी जो भी हो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। यहाँ पे आपको ऑपरेटर सेलेक्ट करना है, ऑपरेटर सेलेक्ट करके यहाँ पे आपका जो नंबर है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं अपना नंबर लिख लेता हूँ। यहाँ पे जो ऑप्शन आता है वो है पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप एट होम, तो आपके पास पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप लाजमी होने चाहिए ये कोर्स करने के लिए। तो हम यहाँ पे यस कर देते हैं। और इंटरनेट भी लाजमी होनी चाहिए क्योंकि ये ऑनलाइन कोर्सेज हैं तो इंटरनेट आपको लाजमी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको DSL को टच करना है अगर आपकी होम पे लगी हुई है, या केबल इंटरनेट है, या जो भी इंटरनेट है आपके पास, ये आप थिम पे चला रहे हैं तो वाईफाई वगैरह पे 3G 4G नेटवर्क पे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसके बाद आपको आना है यहाँ पे क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस पे। तो यहाँ पे आपको अपनी क्वालिफिकेशन लिखनी है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों जिसकी मिडिल की हुई है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। लास्ट क्वालिफिकेशन आपकी मिडिल है और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो है PhD। तो यहाँ पे आप देखिए कोई भी अगर आपकी कितनी भी क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मेरी मास्टर्स है, मैं यहाँ पे मास्टर्स लिख लेता हूँ। और यहाँ पे स्पेशलाइज्ड जो है मैं कंप्यूटर साइंस पे लिख देता हूँ। आपकी जो भी है यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, आप उस पर टच करके और कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा करंट स्टेटस जो है वो आपका यहाँ पर मांग रहा है, क्या है अभी आप स्टूडेंट हैं, हाउस वाइफ भी कर सकती है, अनएम्प्लॉयड पर्सन भी कर सकते हैं, एम्प्लॉयड भी कर सकते हैं और बिजनेस ओनर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अनएम्प्लॉयड कर देते हैं या अनएम्प्लॉयड पे टच कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे फ्यूचर प्लान आपका पूछ रहा है कि फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, ऑन बिजनेस करना चाहते हैं या फ्रीलांसिंग करते हैं। तो हम यहाँ पे जॉब पे टच कर देते हैं। अगर कोई फ्रीलांसिंग करना चाहता है तो वो फ्रीलांसिंग पे टच कर दे। उसके बाद यहाँ पे हमें प्रोफेशन से यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको क्या क्या आता है। तो यहाँ पे रेट योर कंप्यूटर प्रोफेशन से, कंप्यूटर आपको कितना आता है। तो यहाँ पे आपको अगर एवरेज आता है, बिलो एवरेज आता है, बेसिक आती है, अबोव आता है या फुल नॉलेज है, जितना भी आपको आता हो तो आपको यहाँ पे वो टिक करना है। मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह फुल है नॉलेज तो मैं यहाँ पे फुल कर दूंगा। उसके बाद रेट योर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफेशनसी स्पीकिंग है,
तो यहाँ पे जितनी भी आपको इंग्लिश आती है, प्रोफेशन है, इंटरमीडिएट है, एक्सपर्ट है, बिगनर है या नो नॉलेज है, तो वो आप वो रख सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंटरमीडिएट हूँ, और राइटिंग में इंग्लिश राइटिंग आपको कितनी आती है तो वो भी मैं इंटरमीडिएट पे टच कर देता हूँ, आपकी जितनी भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे जो ऑप्शन है, वाई डू यू वांट टू ज्वाइन कोर्सेज digiskills.pk, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जो भी हम किस किस के लिए ज्वाइन कर रहे हैं डिजी स्किल्स, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट। और दोस्तों यहाँ पे देखिए ये रहे वो कोर्सेज जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑटोकैड है, क्रिएटिव राइटिंग है, डिजिटल लिटरेसी है, डिजिटल मार्केटिंग है, ई कॉमर्स मैनेजमेंट है, फ्रीलांसिंग है, ग्राफिक डिज़ाइन है, क्विक बुक्स है, SEO है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और वर्डप्रेस है। यानी कि यहाँ पे 10 कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, इनमें से कोई भी 2 कोर्सेज आप एट अ टाइम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल 2 कोर्सेज आप एट अ टाइम कर सकते हैं, सारे नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको जो भी करने हैं, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊँ तो आप जो कोर्सेज करें वो ये करें, ग्राफिक डिज़ाइन और फ्रीलांसिंग, ये बहुत ही अच्छे कोर्सेज हैं, इनमें से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पे पूछ रहा है वेयर डिड यू हियर अबाउट अस, आपने कहाँ से सुना हमारे बारे में। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फेसबुक, यूट्यूब और इंटरनेट सर्च पे, हम यहाँ पे 3 पे सर्च कर देते हैं। और यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन आ रहा है, आर यू फेमिलियर विद फ्रीलांसिंग, तो यहाँ पे हमें नो करना है और सबमिट कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हमारा सही होगा सब कुछ, फाइल नंबर इनकरेक्ट, सॉरी, तो दोस्तों यहाँ पे मोबाइल नंबर पे एरर था, तो यहाँ पे हम नंबर लिख देंगे 92 लिख के, फिर कोड लिखेंगे, फिर नंबर लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, 3300433 यहाँ पे हम लिख लेते हैं, और यहाँ पे आके हम सबमिट कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें एक पूछ रहा है, आई हियर बाय सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन एंटर्ड हियर इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, इन केस ऑफ इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट रिसीविंग एनी इंफॉर्मेशन अलर्ट्स फ्रॉम डिजिस्किल्स। तो हम यहाँ पे ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरा फुल जो है आ गया है, साइन अप करके हमारा प्रोफाइल जो है वो आ गया है। बिल्कुल यहाँ पे हमारे जो है पिक्चर हम यहाँ पे अपनी लगा सकते हैं, यहाँ पे मेरा नाम आ गया है, एजुकेशन आ गई है और ईमेल आ गई है, और यहाँ पे मेरी मुकम्मल इंफॉर्मेशन जो हमने दी थी वो सारी आ गई है दोस्तों। तो ऐसे हम जो है अप्लाई कर सकते हैं कोर्सेज में प्रोफाइल बना के। और यहाँ पे अगर हमें कोर्सेज पे अप्लाई करना है तो हम जो है होम में जाएंगे, और होम में जाके हमें सबसे पहले जो है ये पूछेगा कि आप अपना नंबर जो है वो वेरीफाई करें, तो हमें यहाँ पे वेरीफाई नाउ पे टच करना है। और यहाँ हमें एक कोड जो है वो मौसूल होगा डिजिस्किल्स की तरफ से, तो देखते हैं कि कोड आया है कि नहीं आया है। और ये देखिए दोस्तों, कोड आ गया है, और यहाँ पे हम कोड को ओपन करके देखते हैं, ये है 1400, तो यहाँ पे हम 1400 जो है वो लिख देते हैं कोड जो आया है हमें, तो हम वेरीफाई कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वेरीफाई हो गया। और यहाँ पे आप देखिए कि इनरोल नाउ पे हम टच करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमें बता रहा है, डियर ट्रेनी द अवेलेबल सीट्स इनरोलमेंट्स फॉर बैच 9 आर फिल्ड अप, इफ़ यू आर बलोचिस्तान रेजिडेंस क्लिक हियर। मैंने आपको बता दिया था कि जो बैच 9 है उसकी इनरोलमेंट मुकम्मल हो चुकी है,
तो हम मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के हिसाब से करके दिखाता हूँ। हम समझ लें कि हम बलूचिस्तान से, तो हम यहाँ पे टच करेंगे और यहाँ पे अच्छा, तो यहाँ पे बता रहा है कि अगर आपने जो प्रोफाइल बनाया हुआ है उसमें आप बलूचिस्तान में नहीं आते, तो दोस्तों यहाँ पे हम हमारे एनरोलमेंट पे जाके हम दो कोर्सेज पे टच करके और अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे दो कोर्सेज की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। कुछ टाइम के बाद आपको यहाँ पे आ जाएगा मैसेज आपके नंबर पे, आपके कोर्सेज फर्स्ट वीक के वीडियो आपके अपलोड हो चुके हैं, आप वीडियो अपने देखें। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह आप विधि स्किल्स में अप्लाई कर सकते हैं कोर्सेज में। यानी कि 3 महीने के बाद फिर नई बैच आती है, आप सारे के सारे कोर्सेज कर सकते हैं। दोस्तों ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए इंशाल्लाह लेके आएंगे। तब तक अपने होस्ट फारुख कुरैशी को इजाज़त दे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और हाँ, बेल आइकन को टच करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस आप तक पहुँच सकें।